नमस्कार अम्ब्रीजनो, आप देख रहे हैं सिक्योरिटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी के लिए एक दुखद समाचार है, और ये दुख ज़्यादा तब हो जाता है जब किसी दूसरे की गलती का खामियाजा किसी दूसरे लोगों को भुगतना पड़ता है। मैं बार बार जब अपने आधुनिक शिक्षा की बात करता हूँ और इससे जुड़े हुए जो भी अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, इनकी बात करता हूँ, तो मुझे इस बात का हमेशा दुख रहता है कि ये लोग अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं। अभी एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए, और वो दुख से भरा हुआ है कि काशी विश्वविद्यालय में जो वीवॉक कोर्स चलता था उस मेन कैंपस में उसको बंद कर दिया गया है, और उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उन्होंने ऑनलाइन मेथड अपने वेबसाइट पर चस्पा कर दिया कि भाई इसको पढ़ लो और अब हम लोग इस कोर्स को नहीं रन कराने जा रहे हैं। इस कोर्स के पीछे की जो राजनीति है, बेसिकली मैं राजनीति इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राजनीति है। अब वो जो राजनीति है उसको बहुत खुल के जब मैं बोलूँगा तो यहाँ तक भी नौबत आ सकती है कि केस डिफॉर्मेशन के केसेस या FIR दर्ज या प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस, इस तरीके से आराम से मेरे को मिल सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डर के आपको ये बात ना बताऊँ। बेसिकली हम लोग फिर भी वो सभी पॉइंट्स आराम से डिस्कस कर सकते हैं, एक छात्र होने के नाते प्रशासन से इतना तो पूछ ही सकते हैं कि भाई क्यों बच्चों ने फॉर्म डाला आपके एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे, आपने विज्ञापन निकाला, आप इस कोर्स के विज्ञापन जब देते हो तो बच्चे उसको में एडमिशन लेने के लिए, अपना एडमिशन लेने के लिए फॉर्म डालते हैं, उन्होंने आपको पेमेंट दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको पेमेंट जब चाहे तब रिफंड करने के बेसिस पे आप उनके कोर्स को ही बंद कर दो। हाँ, लेकिन अब एक कोर्स की नौबत क्या आगे की बंद करना पड़ रहा है, इसके पीछे की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो मैं आपको समझाऊंगा। इसके लिए तो आप मुझे बताना कि क्या आपको पूरा वो एक स्टोरी सुननी है कि वीवॉक कोर्स आखिर क्यों स्टार्ट सडन हुआ, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने किस तरीके की पॉलिटिक्स करी, उसमें जो करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ वो पैसा कहाँ गया, और आज नौबत क्यों आई कि इस कोर्स को बंद करना पड़ रहा है, और वर्तमान समय में उसमें पढ़ रहे बच्चों की स्थिति क्या है। जो बच्चे लाखों रुपए, हजारों रुपए दे के इस कोर्स में एडमिशन लिए, आज वो लोग पढ़ाई छोड़ के आए दिन धरने के लिए बैठ जा रहे हैं। वो मजबूर हैं क्योंकि भाई उन्हें अपने भविष्य का चिंता है, फिक्र है। इस विश्वविद्यालय में ऐसे बहुत सारे शिक्षक मिलेंगे जिनको छात्रों के हित से कोई लेना देना नहीं होता है, और प्लीज़ इस वीडियो को अगर हमारे शिक्षक लोग देख रहे हैं तो आप, इसमें दो प्रकार के शिक्षक होंगे, जो अच्छे से काम कर रहे हैं उनसे तो मुझे ठीक है भाई, उनके लिए तो हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, आप स्वस्थ रहें। लेकिन जो लोग हमेशा बस पैसे के पीछे भागते हैं, जो हमेशा बस राजनीति के पीछे भागते हैं, जो किसी एक्टिविस्ट के तौर पे काम करते हैं, जिनका छात्र हितों से, छात्र के भविष्य से कोई लेना देना नहीं होता है, तो उनके लिए तो भाई दुखद समाचार है कि कोई सम्मान नहीं है, कोई रेस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि आप जो शिक्षक होने का एक स्केल है, जो पैमाना है, उसे बेसिकली पूरा ही नहीं करते। और ये बात मैं काशी विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते इतना बता रहा हूँ, नहीं तो शायद मेरा भी आपसे कोई लेना देना नहीं होता। और इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो वही है ना कि बहुत सारी बातें अपने आप निकलने लगेंगी, तो मैं अभी तो खुद को संयमित कर लेता हूँ। हाँ, लेकिन इस बात का वादा करता हूँ, अगर ये छात्र हमारे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि भाई साथ खड़े रहने का मतलब यही है ना, मैं आपको बताया कि मामला बिगड़ भी सकता है, सो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें इस वीडियो के तहत। जो बच्चे भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, उनसे मैं यही आग्रह करूँगा कि प्लीज़ आप लोग मेरे साथ जुड़े जरूर रहना, मेरे सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़े जरूर रहना, जिससे कि मैं जब बातें करूँ, जब तक पहुँचाने की कोशिश करूँ, तो आपको पता चल सके बेसिकली पूरा मामला कहाँ तक पहुँचा है और ये मामला है क्या, क्योंकि आप लोग तो अभी विश्वविद्यालय में आए भी नहीं हो, तो आपको क्या ही समझ में आएगा कि हाँ ये पूरी राजनीति किस तरीके से काम कर रही है। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मुझे आपका दर्द महसूस हो रहा है, आपने इतने पैसे खर्च किए हैं, खासकर उन बच्चों के साथ तो बहुत गहरी संवेदनाएँ हैं जो यहाँ पे हज़ारों रुपए दे के एडमिशन लिए, और आज ये नौबत है कि कोर्स बंद होने जा रहा है, आखिर उनके भविष्य के बारे में कौन सोचेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन को इस पे एक बार विचार करना चाहिए। मैं बाकी चीज़ों पे बात कर लेता हूँ इस वीडियो में कि कोर्स कहाँ कहाँ अभी रन करेगा, कहाँ कहाँ बंद हो गया है, क्योंकि
बोला ना कि राजनीति आपको अभी नहीं समझ में आएगी, जब मैं समझाऊंगा तब समझ में आएगी। तो उसके लिए तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि कितने लोग इच्छुक हैं जानना, और प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, इन द सेंस कि सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जितना ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े रहोगे उतना ही ज़्यादा मैं आपका मदद कर पाऊंगा और आप मेरा हेल्प कर पाओगे। और आपको पता है कि मेरी मदद आप कैसे करोगे, कब जरूरत आन पड़ेगी आपको मेरी और मेरी आपकी। अभी फिलहाल आपको मैं बता दूं कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अगर उसमें हम लोग चेक करें तो ये जो FMC का ऊपर वाला सेक्शन है, ठीक है, ये वाला सेक्शन जहां पे लिखा हुआ है वोकेशनल कोर्स इन मेन कैंपस, यानी जो बड़े से गेट के अंदर जो कोर्स अभी स्टार्ट ही हुआ था, जिसके मात्र अभी दो बैचेज यहाँ पे आए हुए एडमिशन लेके, वहां पे कोर्स अब रन नहीं करेगा। टोटल